तो दोस्तों मेरा चल रहा है प्रेगनेंसी का 8th मंथ और मेरा 33 वीक्स चल रहा है। और आज था मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट था, जो कि था कलर डॉपलर विद ग्रोथ स्कैन। तो उसमें बताते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी हुई है और कलर डॉपलर में शायद उसका ब्लड फ्लो चेक किया जाता है कि अच्छे से उसके सारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हार्ट में, लंग्स, हर जगह पे, हार्ट में, किडनी में, हर जगह पे ब्लड फ्लो सही है कि नहीं। तो वो टेस्ट था आज, उसमें भी टाइम लगता है, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट तो लगते ही हैं। बाकी आज मेरा ब्लड टेस्ट भी था, जिसमें कि पता चलेगा कि मेरी आयरन का लेवल जो है वो बढ़ा है कि नहीं, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, और बढ़ा है तो कितना बढ़ा है। क्योंकि अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 9.5 था, और उसके बाद मैं आयरन की गोलियां चली थी काफ़ी समय तक। उसके बाद मेरा अभी 15-20 दिन पहले मैंने जब कराया था तो 10.3 था, और उस 10.3 था तो डॉक्टर ने कहा था कि अब इंजेक्शन देने पड़ेंगे, आयरन की गोलियां बंद कर दी गई थी। तो आज टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट, जिसमें अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी शाम तक आएगी रिपोर्ट। तो उसमें पता चलेगा कि आयरन लेवल जो है वो बढ़ा है कि नहीं, हीमोग्लोबिन बढ़ा है कि नहीं। और आज जब मैं स्कैन कराने गई थी तो वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ, मतलब उन्होंने बोला कि एनीमिया से आपके बच्चे को फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये है कि आपके जब डिलीवरी होगी उस समय ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा, तो ब्लड की ज़रूरत माँ को ज़्यादा पड़ती है। तो खैर ये तो है, अभी जो स्कैन करा कर आ गई हूँ, स्कैन की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, स्कैन की रिपोर्ट हमें मिलेगी कल। लेकिन उन्होंने ओवरऑल बोल दिया कि सब कुछ अच्छा है, तो बाकी रिपोर्ट में ही पता चलेगा बाकी चीज़ें। तो इसके लिए मैं सुबह से ही उठ गई थी। मैंने आपको, अगर आपने मेरा पहले एनोमली वाला वो देखा होगा, मैंने डाला था बीच में एनोमली स्कैन वाला देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि हमेशा जब भी स्कैन कराने जाएं तो कुछ खा कर जाइए, क्योंकि बच्चा मूव करने लगेगा और आपकी हालत हो जाएगी खस्ता अगर आपने कुछ खाया नहीं होगा, और बॉडी एकदम वीक फील करेगी, आपको चक्कर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ब्रीदिंग इशू हो सकता है। मुझे ब्रीदिंग इशू हो रहा था, चक्कर आ रहा था जब मैं नॉर्मली स्कैन कराने गई थी, क्योंकि मैंने बहुत ही हल्का सा लाइट सा खाया था और काफ़ी देर तक मुझे वेट करना पड़ गया था। और प्रेगनेंसी में हमेशा ये रहता है कि हमेशा 2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहना चाहिए, तो कुछ खाया नहीं था। तो इस बार ये हुआ कि मैं, हम लोग सुबह चले गए थे और जब वहाँ पहुँचे तो हमें 1 घंटा बैठाया गया, फिर उन्होंने कहा 1.5 घंटा और लगेगा। तो 1.5 घंटा और लगाने के चक्कर में फिर मैंने उनसे बोला कि आप, मेरा घर पास में, आप मुझे बस मुझे बता दीजिए कि कितने समय में हमें आना है तो हम आ जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती हूँ, पैर लटका के बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए क्योंकि स्वेलिंग आ जाती है पैरों में, और ऐसे भी नहीं बैठ सकती हूँ, दिक्कत हो जाएगी। और बाकी भूख तो लगनी शुरू हुई हो ही गई थी, तो इसीलिए मैं गई वहाँ से आ गई। उन्होंने बोला कि ठीक है हम कॉल कर देंगे, और मैं आ गई। फिर आने के बाद मैंने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना के खाई, और फिर उतने में फ़ोन आ गया। फिर उसके बाद मैं काफ़ी रिलैक्स थी, जब मैंने खा पी लिया था तो मैं रिलैक्स थी कि अब लगाना है, 2-4 घंटे तो लगा लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो खैर फिर गए और फटफट हो गया, सारा खाली पड़ा हुआ था। जब हम सुबह गए थे तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि कोई बैठने की जगह नहीं थी। और एक तो जब स्कैन होता है तो बहुत सारे, किसी एक का स्कैन था तो 4 लोग आके बैठे हुए हैं, तो सीट भी नहीं थी, कोई उठ नहीं रहा था, और सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट मैं ही दिख रही थी क्योंकि सबका पेट बहुत हल्का दिख रहा था, मेरा बहुत बड़ा दिख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, बाकी का मेरे ख्याल से चल रहा होगा, 2-4 मंथ चल रहा होगा, मेरा 8th मंथ चल रहा है। तो है बाकी ओवरऑल बता दिया, जो वहाँ पे चेक करते हैं उन्होंने बता दिया कि हाँ सब कुछ अच्छा है, और रिपोर्ट तो कल ही आएगी तो कल ही बता पाऊंगी, और ये ब्लड टेस्ट वाली रिपोर्ट भी शाम में आएगी तो शाम में बताऊंगी। अब देखते हैं ये वाले वीडियो, अगर मैं पहले डाल दूंगी तो फिर कल के वीडियो में ही बता पाऊंगी कि ब्लड टेस्ट में क्या आया। खैर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और
कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी, या फिर मुझसे इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से कर दीजिए। मैं चाहती हूँ दिवाली तक मेरे एटलीस्ट 10,000 तो हो जाए यार दोस्तों। कर क्या रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा मत करिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, फिर मेरा मोरल डाउन हो जाता है कि भाई रहने दो मत करो, क्या फ़ायदा। और इस समय तो और ज़्यादा मैं फिर परेशान हो जाती, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, फिर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है और लगता है कि हाँ चलो बनाओ, देखा जाएगा जो होगा। वैसे भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी शुरू किया है उन्होंने, अभी शॉर्ट्स डाल के उनके मिलियंस में हो गए हैं, बड़े वीडियो भी नहीं डाले हैं। और मैं कब से बड़े बड़े वीडियो डालती चली आ रही हूँ, कितना समय हो गया, मुझे कई साल हो गए हैं। तो मेरा अभी नया चैनल नहीं है, बहुत पुराना चैनल है। और प्लेलिस्ट में भी जाके चेक करेंगे तो पता चल जाएगा मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, ट्रैवल के, फिटनेस के, ब्यूटी के, बहुत सारे बनाए हैं। अभी फिलहाल नहीं ज़्यादा बना पा रही हूँ, अभी इसलिए नॉर्मल व्लॉग बना पा रही हूँ, जितना हो पा रहा है उतना उस हिसाब से कर रही हूँ। और अभी 33 वीक चल रहा है तो उस हिसाब से वो मूवमेंट मैं करती रहती हूँ, मतलब मैं वॉक वगैरह करती रहती हूँ दिन के। मैं कोशिश करती हूँ कि 8 से 9 हज़ार स्टेप्स कंप्लीट करूँ, तो इसलिए वॉच पहन के रखती हूँ पूरा दिन। बाकी उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, वरना मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह पाती। वॉक से फ़ायदा मिलता है, उसकी वजह से शायद उस वजह से मेरे को अभी तक बैकएक नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को होता है बैकएक, और हो सकता है कि आगे आने वाले समय पर हो, पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है, बट अभी तक नहीं हुआ है। और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग भी करती हूँ, जो मैं पहले करती थी वही करती हूँ, कुछ नया मैंने स्टार्ट नहीं किया है। क्योंकि पहले अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो मैं काफ़ी फिट रहा करती थी, तो जितने मुझे मेरे ऐसा बोलते हैं कि जो आप शुरू से करते आ रहे हो अगर वही चीज़ करोगे तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा, तो मैं उसी लेवल का ही करती हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। बाकी मुझे लगता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, शुरुआत के समय में भी हैं, तो आपको एक्टिव रहना चाहिए, वॉक बहुत अच्छा है, वॉक करिए। और बाकी अगर आप कुछ और योगा वगैरह भी करते हैं तो वो भी करते रहिए, वो अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। और अभी भी मैं खाना वाना सब कुछ अपना सा सारा काम करती हूँ, बाकी जो जो चीज़ खानी चाहिए वो बिल्कुल मिस मत करिए, मैं नहीं करती हूँ, सारी चीज़ें खाती हूँ। और बाकी ब्लड बढ़ाने वाली चीज़ें भी खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खाती हूँ सोक करके, तो उससे एनर्जी भी मिलती है। और जब भी आपको लगे कि आप बहुत थक रहे हो तो उसी समय आराम करिए, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। मुझे ये मालूम है कि जब मुझे लगता है कि हाँ बस अब बॉडी बोल रही है कि नहीं अब आराम चाहिए तो आराम करो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पैरों में स्वेलिंग आती है तो उसके लिए पैरों को हमेशा ऊपर रखिए, मतलब अगर आप बैठे हो तो पैर लटका के मत बैठिए, एक स्टूल रख लीजिए उसके ऊपर पैर रख के बैठिए, मैं वैसे ही बैठती हूँ। और बाकी जब मेरी शुरुआत के समय में मेरे ख्याल से 4वें-5वें महीने में मेरे पैरों में स्वेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, मुझे मालूम पड़ा कि पैरों के नीचे तकिया रखिए, थोड़ा सा ऊंचा तकिया रखिए और उस और फिर आराम से सोइए रात भर, तो आपके पैरों में बिल्कुल सूजन नहीं आएगी। तो मेरे पैरों में जो थोड़ी बहुत सूजन आई थी वो सुबह तक चली गई, तो तब से और अभी तक मैं पैरों के नीचे तकिया रख के हमेशा सोती हूँ। और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर सपोर्ट के लिए भी मैंने, मुझे पतला पिलो चाहिए रहता है वो लगाती हूँ, कुछ लोग वो मैटरनिटी पिलो आता है वो यूज़ करते हैं, बट मेरे को उतना ऊंचा मोटा मोटा वो नहीं चाहिए था, हल्का पतला सा तकिया चाहिए था, तो इसलिए मैं एक यहाँ लगाती हूँ। मैं आपको वीडियो बाद में बना के दिखा दूँगी, शॉर्ट्स में बना के दिखा दूँगी कि कैसे करती हूँ, उसे बहुत आराम मिलता है, कोई पेन वेन नहीं होता है। और तो फ़ोन में स्पेस कर गया था दोस्तों, तो इसलिए बीच में वीडियो रुक गई थी। एनीवेज तो थोड़ा बहुत जितना भी मुझे याद आया मैंने बता दिया, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनीवेज चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, और पता नहीं कितना बड़ा वीडियो हो गया, मेरे फ़ोन में स्पेस भी नहीं है कि पहले ये वीडियो बनेगा उसके बाद ही कुछ आ पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, और कल की वीडियो में शायद कल ही की वीडियो में फिर शेयर कर दूंगी, शाम तक आएगी रिपोर्ट,
कल की वीडियो में मैं ब्लड टेस्ट वाली रिपोर्ट के बारे में बता दूंगी और डॉपलर और ग्रोथ स्कैन जो है उसके बारे में बता दूंगी कि उसमें क्या रहा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके बाय, लव यू ऑल।